अब हम लोग जा रहे हैं बाजार, क्योंकि दीदी हमारे पास आ चुके हैं। गंजी दीदी के मैंने वीडियो आपको दिखा दिया, काफी टाइम से दिखा नहीं पा रहा था, उनको आज ब्लॉग में ऐड कर लिया। पुरानी बातें ताजा हुई कि हम उनको गंजी दीदी क्यों बोलते हैं, सारा आपको वीडियो में पता लग ही रहा है। अब दोनों बहनें इकट्ठी हो गई है, मतलब जहां बहनें इकट्ठी हो जाए ना तो झोल माल है बाबा, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब ये बाजार जा रहे हैं, इनको बाजार ड्रॉप करूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा जीरो कट करा रहा हूँ, बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना कटिंग, जीरो कट। मौर्य तैयार हो चुका है, दोनों बहनें भी मिलने वाली है, ठीक है। और आपको भी दिखाता हूँ कि क्या रिएक्शन होगा क्या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, बाजार की वीडियो नहीं डाल बना पाऊंगा। फोन आ रहा है, फोन उसी का बज रहा है, मतलब प्राउनी समझते ना क्या होता है, प्राउनी इतनी भाई कि लेने आओ। सबर नहीं है इनको, बिल्कुल सबर नहीं है। फोन आ रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन नहीं। चलो आपको दिखा देता हूँ अभी क्या रिएक्शन होने वाला है। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, कटिंग करानी है मेरे को, शाम को ब्लॉग बनेगा बढ़िया बढ़िया। क्या यार दीदी, क्या बाजार जाते रहते हो आप, देखने में पड़ते हैं दीदी। अभी तो आए थे आप, अभी अभी पसंद तो आए हो, अच्छा आ जा, आइए अंदर आ जा, पितर आ जाए। तो बाजार जा रहे हैं, बाजार छूना पड़ेगा इनको, क्या बोलिए। बाजार जा रहे हो, हमारे बाजार जाने से हमारे जीजे को, जीजे को दिक्कत नहीं होती दिक्कत ना, तो हम जीजे जी की जेब ढीली की है आज, तो कैसी करनी पड़नी, एक बार जीजे ने जेब थोड़ी ढीली, जीजे जीजे ने जेब ढीली हुई गिरी, क्या करना भाई, दीदी को बोल रहा हूँ कुछ यार हमारे लिए भी कुछ शॉपिंग शूपिंग कर लो, कुछ शर्म भी नहीं आती तुम्हारे को तो मानते हैं यार, मैं तो शॉपिंग करती। तो धूप बड़ी तेज हो गई है और दोनों बहनें जो है ना पीछे बैठ चुकी है, क्योंकि ये दोनों बहनें, चारों बहनें जो है ना इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कैमरा कितने, अरे एक दिन कुंजुम लगा हुआ था, मैंने कही विक्ट्री, मैंने कहा तंदूरी पराठे खा के विक्ट्री हुईगी। तो आप बाजार जा रहे हैं, बाजार से फेंकूंगा, हाँ जी हाँ जेसीबी, अब इन दोनों बहनों को मैं फेंकूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा कटिंग कराने के लिए, कटिंग मेरे शाम को आएंगे, तब देखते क्या बनता है कहानी। और ब्लॉग बनने वाला बड़ा जबरदस्त भाइयों, और इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। गंजी दीदी मैंने बता दिया आपको, गंजी दीदी मैं क्यों बोलता हूँ, दीदी को भी पता लग गया, दीदी आपको पता लग गया ना असलियत, क्या मोटी दीदी क्यों रखना ना, मैं नहीं ऐसे नाम, देखो हम तो मुंहफट बंदे, जो बोलो मुंह दे बोलो है, ठीक है। और इसी वजह से हमारे को थोड़ी सी जो है अचीवमेंट मिल जाती है, हाँ जो, क्योंकि जो आदमी सच बोलेगा वो टिका रहेगा, नहीं यूट्यूब में जो सच बोलेगा ना वो आदमी टिका रहेगा, और सिंपैथी तो लो ही मत, कब तक लेते रहोगे सारा सिंपैथी का, कब तक, क्या बोलते हैं। तो बाजार निकलते हैं भाई, अपना ज्यादा वार्तालाप करने के लिए भाई, रहने दे तू ले जा अपने साथ ना मौर्य को, ये नहीं, ये थोड़ी ना बात बनती है यार, हमने 10 मिनट में कुछ नहीं होता, दीदी ने शॉपिंग करनी, तूने शॉपिंग नहीं करनी, मुझे पता है, ये पता क्या करता है, नहीं नहीं तू सामान लेगी, नहीं नहीं वहाँ नहीं टिकेगा, वहाँ आगे आगे पीछे, आगे पीछे जाएगा, तू टाला मत कर, नहीं 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 हिलाना ही नहीं है, नहीं नहीं दीदी ऐसा मैं समझा करो यार दीदी, आप ये रह देता है मौर्य, तू अपना फोन दे दी दीदी, आप अपना फोन दे देना बस, जहाँ बिठाओ यार दीदी, इससे तो चलो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये, चलो आपसे तो उम्मीद कर नहीं सकता, ये तो टालती है हमेशा, मैंने देखा, औरों को बच्चों को, औरों अभी 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 अच्छी पली लेटी हुई थी, जैसे मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया ना वैसे खड़ी होगी, वैसे बाल सेट कर, जो नेचुरल है ना वो नेचुरल है, ठीक है, जो नेचुरल है वही, और तू नेचुरल रहा कर वो बढ़िया रहता है, तो बाल किसी की लेडी सेट करने थे, हाँ बाल क्यों सेट किया हुआ, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मैंने ये सोफा कम बैठ लिया, और देख चुके हो पहले भी कितना मैंने इसको, और ये कलाकारी किसने करी, ये किसने फाड़ा भाई, मेरा क्या बंदा यार ये, यार देखो अभी नया नया सोफा लिया हुआ इसने, ये हाल किए हुए, और एक सारा डेंट देख कितना नुकसान हो गया, देखा तूने, ये देख बहुत नुकसान हुआ उसको अंदर करने के लिए, मुझे ताकि ये वाली जो है ना विंडो भी खुलवानी पड़ी, इतनी दिन बेली बैठी हुई थी, कुछ रूम को डेकोरेट कर ले, कुछ अपना दिमाग लगा कि मैं क्या करूं,
आराम तो तू करे भी करो भी है। हाँ भी तू क्या बोल रहा है मेरी कटिंग को लेकर? बहुत बढ़िया, अच्छी कटिंग कराई है। तो फिर वही बोल रहा था मैंने, यहाँ मशीन से कर देनी तेरी ऐसी कटिंग। क्यों मैं मौर्य के करूँगा, तेरे सामने करूँगा? पहले चल मैं मौर्य डेमो दूँ पहले। मौर्य तो छोटा है, उसके तो करता हूँ इसका। भाई तू, तेरा गोल फेस है, तेरा तेरे पे जचेगी। पता क्या तेरे पे मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये बोल रहा ना, कहता है कटिंग बहुत अच्छी हुई है, गोगा बोल रहा है। ये बोल रहा कि कटिंग बहुत बढ़िया हुई है। तू ये बता, मैं इतने दिन यहाँ था नहीं, तूने इसको बोला कुछ दीदी ये करो वो करो, बोला तूने कुछ? ये बोल रही कि मैं जब से आई हूँ ना, कुछ ना कुछ काम कराई जा रही है, तेरा नाम ले रही है। कौन है अभी जब मैं आया तो ये बोल रही है, कहती है अब मैं जा रही हूँ, कहते हैं भाभी मेरे से काम कराते ही, ऐसा बोल रही है। बोलो कौन सी नीतियाँ? मैं अभी बस रूम यहाँ घुसा ही था, यहाँ से घुसा ही था। हाँ जी नमस्कार सर, मैं अभी यहाँ से आया, ये लेटी हुई थी आराम से, ठीक है, फिर खड़ी हुई, बाल लगी सेट करने। तो बाल कहूँ सेट कितने? सभी के पता है कि तेरे ब्याह को 16 साल हुई है रे, 18 साल हुई है रे। तो कितने चल, कितने साल हुए पता? खुद बता। 13 साल हुए ना, तो लोगों को पता है भी तू शाणी हुई थी, चिट्टे बाल भी तेरे दिखने लगी रहे होगा। और जैसे मैं यहाँ पर आया, वैसे इसने बात बोली, कहती अपनी लाड़ी को समझा दे, और कहती काम करवाती रहती है मेरे से, ऐसा बोल रही है ना। बोल के अच्छा, इसको पूछ इसकी नाक के ऊपर जो निशान पड़ा हुआ है, ये कैसे पड़ा हुआ है ये काला काला? चल तू तो बता दे, सुन किसने? मधु सोच ले भी क्या बोल रही है वीडियो के सामने। अच्छा किसने तोड़ा? अपनी तारीफ करता है। नहीं 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 नहीं, मीशा के पापा उनकी गोदी में थी आंगन में, बता रहे कि वहां काटा है। तो मम्मी बोल रहे कि मैंने इसको मुंह तोड़ा। नहीं मम्मी ने बात बोली, कहता दरवाजा मारा था मैंने तेरे, तब लगा था। वो तो नॉर्मल लगती थी कि दांत से वो है, ये मतलब तेरे निकला था खून दांत से। भाई मधुमक्खी ऐसा कैसा काटती थी? काला पाइथन नाक को बांध दे। दिखा देख, नाक के ऊपर निशान पड़ेगा यार, मेरे को समझ नहीं आता वीडियो के नजदीक में। जब वीडियो कैमरा मक्खी ले आता हूँ, कौन हमारा नाक बहुत बढ़िया मॉडल लुक है, तू अपना दिखा देख नाक। देख भाई अब दीदी लगा दी उन्हें काम पे अंदर पक्का। दीदी वो कर रहे हैं अपना यूट्यूब का कर रहे हैं कुछ? कहाँ दीदी, अंदर वाले कमरे में कटिंग? पहले मैं मौर्य का डेमो दूंगा कटिंग का, फिर तेरा। नहीं नहीं इसके बाद वैसे यार, इसका गोल तो क्यों चौधरी बनी हुई है इसका? इसका इसका गोल फेस है, सुन ले, इसका गोल फेस है, अच्छा लगेगा। चल तेरे से इसके तेरे कटिंग करनी है। हाँ बोल, करानी है? देखो मौर्य मत कर, तू अंदर गलत जा रहा है। कान में नहीं थप्पड़, तू एक बार कर। आदू तू यहाँ गलत जा रहा है, इधर नहीं आज, इधर आजा, तब तेरे को मारेगा ये। तो ये डिजाइन देखो आप कैसा लगा, कमेंट्स करके बता देना। ये मेरा ही डिजाइन किया, मम्मी आए थे, मम्मी ने बहुत काम किया, पापा ने बहुत काम किया, और मम्मी ने इसमें ग्लाफ चढ़ाया, कवर। मौर्य चल अंदर अंदर, यानी चलो तू अब। हाँ तो कोई शर्म नहीं आती कि अपने पति को ये बात बोल रही है? शर्म नहीं आती तेरे को ये बात बोल रही? तू क्या बोल रही है? हाँ चल तू ही कराई दे बे, तू ही कराई दो, कितने जाएंगे मौर्य? अभी अभी किसने बनाया मौर्य? जान दे बेटा मत कर, ऐसी गंदी बात मत कर यार। अभी किसने बनाई है बता? चल ठीक है, देखता हूँ मैं जरा किसने बनाई है। अभी देख घर का खरारा देख, गिलास देख, कितने बच्चे शुक्र है एबो एक ही है, बतेरा है यार इस लड़के को, समझाओ किसी के सिर में मार देगा। चलो मैं जरा, क्या बात है, ये देखो सब्जी बन रही है भाई। ये गंजी दीदी ने पक्का खाना बनाया, तभी बोल रही है छेड़ा मार, तो छेड़ा नहीं माना मैंने, बंद ही करना है सीधा, ये वही करा जो होना था ये पे, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे डिनर, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। कौन? हाँ
अच्छा ये अच्छा ये बता, जो तू मेरी टी शर्ट को बोल रही है कि इसका गू मत बना देना, टी शर्ट दिखा दे। क्या बना दे? अभी तूने बोला कि जो नई टी शर्ट आपने कल जो खरीदी है ना, इसका गू मत बना, ये बात अभी तूने बोली नहीं बात। अच्छा चल तू चौधरी तो बोल दे, अब तू मुकरी मत अभी। तू शर्मा है तो तू बोल दे। इसने ये बात बोली? नहीं बोली। क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? किसने बोली? गू कैसे होता है? नहीं एक बार बता, तूने बोली नहीं बात? खराब मत कर, कर मम्मी कसम खा। नहीं तू क्यों नहीं, एक बार बता। अब देख तू वैसे झूठ से मुकर नहीं सकती है, सच से मुकर नहीं सकती है। बता जल्दी बता, क्या बोला जल्दी बोल। तुम्हारे वीडियो बनती नहीं, तुम्हारे असली चेहरे सामने आ जाते हैं लोगों के, पता है? रियलिटी रखा करो। बस अब हाँ बस, क्योंकि ये बात तूने पहले बोली थी ना, जाते जाते लग गया था। मेरे पास कपड़े तो नहीं, आज भी मैं बस भूल जाती थी पूजा को कि मेरे को टी शर्ट और लोअर नहीं आता। हाँ। वो भाई पूजा दीदी को हिमाचली ब्लॉगर पूजा बुलाया कर, सुन ले मेरी गल। मैंने दीदी को जितनी बार बोला ना शॉपिंग कराई है, और दीदी ने मेरे से उल्टी इनके लिए की है, पता नहीं क्या क्या नहीं लेके देती हो। तो यार फिर मैं भी तो दीदी को कुछ ना कुछ लेके देते रहता हूँ। चल दीदी को भी आने दे, क्या लेके तू मुकर रही है? चल ठीक है, अभी भी चला हुआ ना वो, बोल अब। ये दीदी मौर्या यार, देखिए क्या खरा रहा पाया हुआ इन्होंने। मुन्नी नहीं रुक जाए, मुन्नी को देते पहले, मुन्ना का मुन्ना। ये मुन्नी किचकी है, मुन्नी ये किच कुछ मुझे मुन्नी किचकी है। ये क्या कर रही है मुन्नी? ए मुन्नी क्या खाएगा? इसे निशाने देख, उससे बाहर और लग रहे हैं इधर, और इनको पकड़ा देगी ना, तीन तीन दूंगा, तीन में से एक मिनट लगेगा। तू देख तो सही, देख दो मिनट, देख देख उसके पास वो है, ये देख सुई वाला पतला जाए, देख गोड़ जा। एक खाली गया से, बस ये खाली गया से। ए दूसरी बार मोरी, लास्ट बार बेटा लगना चाहिए। ए देख देखा, दो चांस किए इसने, तीसरा चांस इसका।